गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जैसा कि हम ज्ञान दूत 0.2 के अंतर्गत बीएससी पार्ट थर्ड का ये टॉपिक है जो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसका पार्ट फर्स्ट हमने कल ले लिया था वीडियो में, आज उसके आगे का है। तो कल हमने जहाँ पे समाप्त किया था वहाँ था कि कुछ ट्रांजिशन जो अलाउड होते हैं, कुछ ट्रांजिशन फॉरबिड होते हैं, क्योंकि सभी ट्रांजिशन अलाउड नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमने एक सिलेक्शन रूल बनाया हुआ है, सिलेक्शन और चयन वर्ण नियम, यानी कौन सा ट्रांजिशन जो अलाउड होगा, कौन सा फॉरबिड होगा। इसमें लेपोर्ट नियम हमने कल पढ़ा, और लेपोर्ट नियम के अनुसार हमारे पास था डीएल 0 और डीएल प्लस माइनस 1, यानी जो डीएल का मान अगर 0 आ रहा है इट मींस वो क्या होगा, फॉरबिड होगा। डीएल का माइनस प्लस माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, अलाउड होगा। अब यहाँ पर यह था डीएल का प्लस माइनस का मतलब था कि हमारे पास यानी डी से जैसे मान लीजिए P में जा रहा हो, तो यहाँ D का मान अगर हम L के अनुसार देखें तो 2, P का मान 1, तो आगे क्या जाएगा 1, इसका मतलब प्लस माइनस 1। तो ये ट्रांजिशन जो है वो अलाउड ट्रांजिशन होगा। और हमने कहा S से S में अगर जा रहा है तो हमारे पास मान क्या जाएगा, डेल एल का 0। P से P में जा रहा है तो डेल एल का मान क्या जाएगा, 0। इसका मतलब क्या था कि ये जो ट्रांजिशन जो है ये अलाउड नहीं होंगे, अर्थात ये कहे हम कि ग्रिड जी रेड और अनजी रेड, ये कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया भी था इनके बारे में, जी रेड अनजी रेड यानी ऑर्बिट की हमने बात की थी, एस ऑर्बिट कैसा है जी, पी ऑर्बिट कैसा है अनग्रिड अनजी रेड, डी ऑर्बिट कैसा है जी, एफ कैसा है अनजी रेड। तो इसका मतलब क्या होगा कि एस से अगर एस में कोई ट्रांजिशन हो रहा है तो वो फॉरबिड होगा, पी से पी में हो रहा है तो भी फॉरबिड होगा, डी से डी में है तो भी फॉरबिड होगा, या एफ से एफ में, तो क्या होगा, ये ट्रांजिशन सभी फॉरबिडन होंगे। इसी प्रकार से अगर ये कहें हम कि किसी का एस से पी में या पी से डी में है ना, या डी से पी में, तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन है वो सब क्या होंगे, अलाउड ट्रांजिशन होंगे। तो डेल एल का मान अगर 0 है, इसका मतलब उसी एस से एस में, पी से पी में, डी से डी में है, यानी जे ग्रेड से ग्रिड में ही अगर है तो वहाँ पे ट्रांजिशन जो होगा वो फॉरबिड होगा, अन्यथा वो क्या होगा, उसमें अलाउड होगा। अब दिक्कत ये थी इसके अंदर एक कि हमने पहले से पूर्व पढ़ चुके थे कि डी से डी ट्रांजिशन के लिए हमने कहा थे कलर्ड कंपाउंड बनते हैं, एक हमारे पास था डी डी ट्रांजिशन। तो डी डी ट्रांजिशन में हमने देखा था कि डी से डी में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एल्टा एल का मान क्या था, 0, और अकॉर्डिंग टू लेपोर्ट नियम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक रिलैक्स इन्होंने दिया, रिलैक्सेशन जिसको हम कहते हैं, लेपोर्ट नियम में कुछ विशेषताएं दी थी, और वो नियम में क्या दिया इन्होंने कि एक एग्जांपल के द्वारा इन्होंने बताया कि हमारे पास CO NH3 होल 6 प्लस 3, इसी प्रकार से हम लेने CO NH3 होल 5 Cl प्लस 2। तो यहां आप देखेंगे जो लिगेंड जो हैं वो सभी लिगेंड क्या है, एक समान, सेम लिगेंड है। तो जब भी लिगेंड एक समान है, सिमेट्री उसमें बनी हुई है, इसका मतलब वहां पे अकॉर्डिंग टू लेपोर्ट नियम यहां पे अलाउड नहीं है ट्रांजिशन। संशोधन क्या क्या है इन्होंने क्या, अगर कोई लिगेंड के साथ 5 लिगेंड एक जैसे एक अलग है अर्थात अलग है, तो यहां पर सिमेट्री क्या हो जाएगी, डिससिमेट्री हो जाती है, ये सिमेट्री बदल जाती है। तो सिमेट्री में जो परिवर्तन आ जाता है तो वो उस स्थिति में क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए T2G से EG, डेल एच 0 हमने किया था, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, वही जी का ही मामला है। ये हमारे पास क्या था, डी ऑर्बिट्स की हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा है, पी हमारे पास है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे पी डी मिक्सिंग हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, पी डी मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि ये हमारे पास देखिए कोबाल्ट में क्या चल रहा है, हमारे पास डी ऑर्बिट में, क्लोराइड हमारे पास किस में आ रहा है, पी ऑर्बिट में। तो ये स्थिति जब आएगी तो आप देखिए डी पी डी मिक्सिंग होगा, और डी से किस में बदल गया, ये पी डी में, तो पी डी मिक्सिंग हो गया, डेल्टा एल का मान जो 0 था वो अब 0 नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, और चेंज होते क्या हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। तो ये चीज थी हमारे पास लेपोर्ट नियम के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो किस प्रकार से हम इसमें बता सकते हैं। अब देखिए इसी में अपने पास आ गया था दूसरा स्पिन सिलेक्शन रूल,
स्पिन सिलेक्शन रूल में हमने कहा था डेल्टा एस इक्वल टू जीरो और डेल्टा एस इक्वल टू नॉट ए जीरो। तो यहां पे डेल्टा एस इक्वल टू जीरो से मतलब ये था कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर ट्रांजिशन एंड बिफोर ट्रांजिशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से पहले भी वही हो, ट्रांजिशन के बाद भी वही हो, या दूसरा ये कह सकते हैं कि सेम स्पिन, स्पिन जो है उनकी समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में ये आ गया दूसरे में कह दें ऐसे हो जाए, नहीं, स्पिन एक जैसी होनी चाहिए। किस में? बिफोर ट्रांजिशन और आफ्टर ट्रांजिशन। तो ये जब एक जैसी स्पिन होगी तो यहां पे डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? स्पिन जो है अलाउड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो है वो अलाउड है। इसको हम इस रूप में ले सकते हैं। दूसरा देखिए, यहां पे स्पिन ट्रांजिशन में इनके अंदर ये सिलेक्शन रूल का सेकेंड पार्ट था अपने पास स्पिन का। थर्डली हमने लिखा था टोटल एंगुलर मोमेंटम भी प्रभावित करता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसको और भी आगे हम देखेंगे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जब बन रहा है तो यहाँ पे देखिए जो स्थिति डेल्टा जे के जीरो प्लस माइनस वन की स्थिति में है, प्लस माइनस वन की स्थिति में डेल्टा जी यानी मान जो डेल्टा जे का जो है जिसको हम कहें टोटल एंगुलर मोमेंटम, इट मीन्स कौन सा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंट, इसमें एल और एस इन दोनों की कपलिंग की हम बात कर रहे हैं, इनका परिणामी जो मान आता है वो आता है हमारे पास जे। तो जे का मान अगर जीरो प्लस माइनस वन में आ रहा है इट मीन्स वो सब क्या होंगे? ट्रांजिशन जो होंगे अलाउड होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक लिया, देखिए डी में 3D 5.2, इसको आगे हम टर्म सिंबल में और डिटेल में लेंगे, एक बार एक एग्जांपल ले ले हम इसको, ये 5.2। यहाँ पे देखिए जब भी किसी टर्म सिंबल, जो टर्म सिंबल हम ले रहे हैं उसके अंदर सुपर सब्सक्रिप्ट में अगर हम मान लीजिए कोई मान आ रहा है वो कहलाता है मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी। सेकेंडली ये जो मान है ये क्या है? जे का मान है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मल्टीप्लिसिटी दोनों में क्या है? सेम है, मल्टीप्लिसिटी सेम है। तो डेल्टा जे का मान क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे वो निकालेंगे। दूसरा मल्टीप्लिसिटी में आपने देखा कि इसका मान जो है वो 3 दोनों में सेम आ रहा है। फिर जे का मान देखिए, जे के मान में भी क्या दोनों सेम आ रहे हैं, तो जे बराबर क्या हो गया हमारे पास? जीरो मान आ रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा वो अलाउड होगा डी से एफ के लिए जो ट्रांजिशन होगा। तो इसके लिए हमने दे दिया था टोटल एंगुलर मोमेंटम जे डेल्टा जे प्लस जीरो प्लस माइनस वन। एक होता हमारे पास डेल्टा एम जे का और ले सकते हैं, इसका भी मान अगर जीरो प्लस माइनस वन है तो वो ट्रांजिशन क्या होगा? अलाउड ट्रांजिशन होगा। तो ये बात थी सिलेक्शन रूल की। अब आते हैं हम एक इसके टॉपिक को जहाँ हम ले रहे हैं उस पर, और वो है एल एस कपलिंग के नाम से भी जानते हैं इसको हम, और रूसेल सराउंडस नियम के अनुसार भी जानते हैं। तो कहते हैं रूसेल्स सैंडर्स कपलिंग, रूसेल सैंडर्स कपलिंग यानी रूसेल सैंडर्स कपलिंग क्या है इसके ऊपर हम जाए, इसको हम ये कह सकते हैं एल एस कपलिंग भी बोल देते हैं, एल एस के नाम से भी ये पूछ लिया जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि एक हम लेंगे पहले यानी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वन एल टू एल थ्री एंड दैट्स ऑल का मान के रूप में इसको लेंगे। दूसरा हमारे पास आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको एस वन एस टू एस थ्री के रूप में हम आगे तक ले लेते हैं। तो दो चीज़ हम यहाँ पे निकालेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वन एल टू एल थ्री, इसी प्रकार से स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वन एस टू एस थ्री, और थर्डली हम जो हम लेंगे वो हमारे पास है
टोटल ले सकते हैं, तो इसको या हम कह सकते हैं इसको जे के रूप में ले सकते हैं, रिजल्टेंट रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम कह सकते हैं जे से। तो ये तीनों चीज हम यहां पे देखेंगे एक एक वन बाय वन कि कैसे इसके मान को ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपने ट्रम सिंबल के ऊपर। तो एल एस कपलिंग में एल का मान हमें लेना जरूरी है, एस का मान लेना जरूरी है। तो पहले हम लेते हैं डिटरमाइन डिटरमाइन या रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और इसमें आप देखते हैं एल का अगर मान निकालते हैं तो ये हमारे पास आता है, देखिए एल वन प्लस एल टू, इसी प्रकार से एल वन प्लस एल टू माइनस वन, एल वन प्लस एल टू माइनस टू, इस प्रकार से चलता जाए कहां तक, एल माइनस एस तक, ठीक है। तो इसको इस रूप में लिख देते हैं, कई बार हम एल के लिए एल प्लस एस से लेकर के टू एल माइनस एस तक, ये मान हमारे पास निकलता है डिटरमाइन रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मान। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मान इस रूप से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिटरमाइन रिजल्टेंट स्पिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मान। इसके लिए क्या करते हैं हम, एस एस वन प्लस एस टू, एस वन प्लस एस टू माइनस वन, एस वन प्लस एस टू माइनस टू, और यह लास्ट तक हम लिख देते हैं एस वन माइनस एस टू तक। तो ये मान हम इसको निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास डिटरमाइन रिजल्टेंट ऑर्बिटल एल का मान और ये एस का मान। इन दोनों के मान जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर तीसरा हमारे पास आएगा कि रिजल्टेंट डिटरमाइन टोटल कर सकते हैं इसको कि डिटरमाइन टोटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने क्या लिया था, जे बराबर हमने लिया था एल प्लस एस, इसी प्रकार से एल प्लस एस माइनस वन, एल प्लस एस माइनस टू, और ऐसे करते करते कहां तक आए गए, एल माइनस एस तक। तो तीनों मान हमें निकालेंगे तो उसकी सहायता से फिर हम ये कर सकते हैं रसेल सैंडरसन को एल एस कपलिंग कैसे कराई जाती है। तो डिटरमाइन रिजल्टेंट मान हमने एल का निकाल लिया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो कि एल वन एल टू एल थ्री इस रूप में चलेंगे, स्पिन का मान हमने निकाला जिसके अंदर था एल प्लस एस में एस जो स्पिन का मान हम ले रहे हैं उसके मान को निकालेंगे, और तीसरा हमारे पास है टोटल एंगुलर मोमेंटम का मान। अब देखिए आगे इसमें रसेल सैंडरसन में ही हम देखते हैं कि मान को निकालते कैसे हैं। ये मान कैसे आप निकाल पाते हैं, यहां हम लेते हैं एक चीज जिसमें तीनों चीज आ जाएंगे, ट्रम सिंबल। ट्रम सिंबल, अब देखिए ट्रम सिंबल में हमारे पास फॉर्मूला सीधा ही है 2s प्लस वन एल जी, इसको बोलते हैं टोटल ट्रम सिंबल को, यानी किसी भी ऑक्साइड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट के लिए हम ट्रम सिंबल कैसे निकालते हैं, उसके पद का नाम कैसे निकालते हैं, उसकी न्यूनतम स्थायी अवस्था कैसे याद करते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या हो गया 2s प्लस वन एल जे। यहाँ पे देखिए 2s प्लस वन क्या है, s हमने कहा स्पिन मोमेंटम नंबर है, 2s प्लस वन क्या था, मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी बहुगुणकता, मल्टीप्लिसिटी। एल क्या हमारे पास यहां पे, एल हमने एंगुलर मोमेंटम का मान लिया था जो पद का नाम हमें बताया गया यहां पे, और जे क्या हमारे पास,
कपलिंग जो एल प्लस एस के मान से हम यहां पे निकालेंगे, ये एंगुलर मोमेंटम किसका, ऑर्बिटल का जिसका हम ले रहे हैं उसके अनुसार। तो ये तीनों मान अगर रखेंगे तो हमारे पास ट्रम सिंबल की एक पूरी हिस्ट्री हमारे पास आ जाएगी। तो जे के मान को हम एल प्लस एस से निकाल लेंगे, एस हमारे पास स्पिन दे रखा है, एल हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का दे रखा है। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको और उसी के अनुसार आगे हम इसको चलते हैं। यह एक टेबल के रूप में बना लें इसको हम, यानी यहां से हम ले लें इसको एक बार S1। इसका मतलब क्या है, S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। हमें कही S1 के लिए ट्रम सिंबल ज्ञात कीजिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है और इसके लिए ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यूं कहें हमारे पास S का मान क्या जाएगा हाफ, L का मान क्या जाएगा अब इसके लिए, क्योंकि S के लिए L का मान जीरो। आप यहां पे ध्यान रखिए कि S P D F आगे चलते जाएंगे, L का जो मान आएगा वो हमारे पास क्या हुआ है जीरो। यानी अगर जीरो मान आ रहा है तो उसका टर्म सिंबल क्या लेंगे S, अगर वन आ रहा है तो टर्म सिंबल क्या लेंगे P, और अगर D आ रहा है टू आ रहा है तो D, और थ्री आ रहा है तो F। इस प्रकार से इसकी टर्म सिंबल को हम ले लेंगे। यहां पे एक चीज और देखिए, आपने देखा कि एक मिनट थोड़ा सा आप यहां देख लें कि अपने पास क्वांटम नंबर एक आते हैं, क्वांटम नंबर की बात, और ये देखिए हमारे पास n, l, m, s ये होते हैं। n क्या हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसके हमें कोस का पता चलता है कि कौन सा कोस हमारे पास है, l क्या है सब कोस उपकोस की बात करते हैं, कोस में k, l, m, n ये हमारे पास कोस की संख्या, L उपकोष के बारे में बताता है, S P D F इनके बारे में, M का जो मान है वो प्लस L से लेकर के माइनस L तक का आता है, और S हमारे पास प्लस हाफ माइनस हाफ। ये हमारे पास एक क्वांटम नंबर है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पूरी हिस्ट्री को हमारे सामने रखता है कि कोस कौन सा है, उपकोष कौन सा है, L का मान क्या, M का मान क्या रहा है, S का मान क्या रहा है, इसके रूप में हम इसको रखते हैं। तो यहां बताने का अर्थ ये था, क्योंकि जैसे हमने उपकोष की बात की तो उपकोष में हमारे पास था S P D F G एक्सेट आगे, क्योंकि हमारे यहीं तक ज्यादातर काम में आते हैं। तो यहां पे इन्होंने कहा कि मूलिकन ट्रम सिंबल, यहां पे मूलिकन ट्रम सिंबल के नाम से दिया कि S के लिए हमने क्या कहा S P D F, ये मूलिकन ट्रम सिंबल में, और इनके लिए जो ऊर्जा का जो वेरिएशन है वो क्या है A1 जिसको हम कह देते हैं S का सिंगल डिजनरेट के रूप में, P में T1G, D में हमारे पास उनका EG प्लस 2T2G। यहां पे इसका एक सेल है क्योंकि S के अंदर एक ही सेल है, P हमारे पास तीन है यहां पे, इसके ई जी के हमारे पास टू सेल और टू टी जी के मान हमारे पास थ्री सेल, यानी डी में टोटल कितने हैं फाइव, डी में टोटल फाइव है, पी में थ्री है, एस में वन है, एफ में सेवन है, और ये क्या हो जाए हमारे पास ए टू जी प्लस टी वन जी प्लस टी टू जी। तो यहाँ पे टू प्लस टू और इसके हो जाएंगे थ्री। तो ये हम एक उसका विवरण ले सकते हैं कि पी में और एस एफ में क्या स्थिति इसकी बनती है। तो यहां पे आप इसको मूलिकन ट्रम सिंबल के नाम से जो एनर्जी के डायग्राम है हमारे पास ऑर्गल डायग्राम के अंदर ये चीजें काम में आएंगी। वापस आते हैं अपन उसी चीज पे, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी था। अब हमारे पास आ गए देखिए एस एल, और उसके बाद हम क्या ले रहे हैं इसके अंदर एल के मान के बाद में हम यहां पर लेंगे एल, तो एल कितना आएगा इसके लिए एस के लिए जीरो, जीरो मान किसके लिए है एस, क्लियर है। अब मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे, तो मल्टीप्लिसिटी में क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 2s प्लस 1, क्योंकि s क्या हमारे पास आप 2 इंटू हाफ प्लस 1 कितना आ गया 2, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो ट्रम सिंबल के रूप में अगर हम इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब हमारा ट्रम सिंबल क्या था
एस, ये निकाला ना हमने ऐसे, तो यहां पे आ जाएगा 2s। अब दूसरी चीज हमारे पास ये आ गया आपके पास, हटा दो इसको थोड़ा सा, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी लेवल। और अब आता अपने पास निम्नतम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, जो निम्नतम स्थायी अवस्था कौन सी बनती है। और एक आता हमारे पास जे, जो हमने पहले छोड़ दिया। जे का मान कैसे निकाल रहे हैं, एल प्लस एस। अब एल प्लस एस से क्या एल माइनस एस तक का था, एल प्लस एल क्या हमारे पास, एल हमारे पास जीरो है, एस क्या है हाफ है, दूसरा कोई है नहीं, तो अपने पास क्या जाएगा हाफ। तो इसका मान हम क्या रख देंगे हाफ। तो ट्रम्प सिंबल यहां पे जो ग्राउंड स्टेट ले रहे हैं उसको कहेंगे 2s हाफ। ये हमारे पास एक पूरी पिक्चर बन गई किसकी, 1s, अगर s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो। इसी प्रकार से मान लीजिए हम दूसरा लें, इसमें s2 का ले लें, p1 ले लें, चलिए ये p के हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट में है, हमारे पास क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक, यहां पे भी एक ही है पी में, तो एस का मान क्या आ जाएगा हाफ आ गया एस का मान। एल का मान क्या हो जाएगा पी के लिए, वन है, एल का मान क्या आ जाएगा इसके लिए वन आ जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि एल का मान जब वन आ रहा है तो यहां पे क्या आएगा उनके पास पी के रूप में वन किसके लिए, अभी अपने देखा था 0 1 2 3 एस पी डी, तो वन किसके लिए पी के लिए आ गया। अब मल्टीप्लिसिटी निकालें तो क्या आएगा वही 2s प्लस 1, 2 वही हाफ है अपने पास प्लस 1, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लिसिटी आ गई, तो यहाँ पे 2 ये p आ गया हमारे पास। अब j का मान क्या है हमारे पास l प्लस s से, वही l क्या है हमारे पास 1 प्लस s क्या है हाफ, कितना आ गया 3 अपॉन 2। ठीक है, इसी प्रकार से शो कर सकते हैं 1 माइनस हाफ में तो 2 माइनस 1 यानी 1 अपॉन 2, तो दो मान हमारे पास आ गए, क्या क्या आ गए 2p 3 अपॉन 2 और 2p 1 अपॉन 2, ये दो मान हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकली सीरीज में आ गए। तो यहां पे आप देखेंगे ये क्या मल्टीप्लिसिटी है, ये इनके टर्म है पी, पी क्यों है क्योंकि 1 मान आ रहा है और ये जे का मान है 3 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, तो आप देखेंगे 3 अपॉन 2 1 अपॉन 2। यहां एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी नियम में कि अगर हाफ फील्ड से कम भरा हुआ है कक्षक, यहां तक तो हाफ फील्ड ही था, हाफ फील्ड से अगर कम भरा हुआ है तो जो लोएस्ट वैल्यू होगी कम वैल्यू होगी वो ग्राउंड स्टेट निम्नतम अवस्था कहलाएगी। ये एग्जाम में पूछा जाता आपसे कि इसकी हाफ P1 की निम्नतम ग्राउंड स्टेट क्या है, तो ये अपने को पूरा निकाल के बताना चाहिए वहां पे 2p हाफ। तो इसको थोड़ा सा अपन और भी लिखें तो 2 को थोड़ा ऊपर लिखें फिर p और ये हाफ, ये इसकी कहलाएगी निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्थिति। क्लियर है, अब मान लीजिए हम देखते हैं एक मिनट P6 का ले लें, P6 में क्या है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या 0 है, एस का मान क्या आएगा 0, एल का मान क्या है हमारे पास, अब चूंकि आपने पी में पढ़ा हुआ 0 प्लस 1 माइनस 1, तो यहां भी 0 0 ये सारा, या यूं कर दें इसको कि प्लस में 2 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, चूंकि यहां पे क्या आ गया 0, तो इस रूप में इसका मान को अगर हम लिखेंगे P6 में तो क्या आएगा अपने पास 0 माना गया, 2s प्लस 1 में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगी मल्टीप्लिसिटी इसकी। ठीक है, तो 1 अगर आती है इसकी मल्टीप्लिसिटी तो आप देखेंगे इसके अंदर 1s 0 में, क्योंकि 0 l का मान क्या 0, तो उसके लिए s मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई 1। ठीक है, अब यहां पे इसको कर सकते हैं कि 1 s और एल एस का मान क्या आएगा हमारे पास, ये 0 0 है तो क्या होगा 0, तो ये हमारे पास क्या जाएगा इसकी 1s 0, या यूं कर सकते हैं 1s ट्रम सिंबल हमारे पास इसका आ जाएगा न्यूनतम।
इसी प्रकार से डी टेन का भी यही आएगा, ठीक है, एस टू का भी यही आएगा। तो तीनों का जो मान है, एस टू का, डी टेन का, इनका सबका मान क्या आ जाएगा हमारे पास, वन एस जीरो। तो इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं पी सिक्स में भी और इसमें, तो यह क्या आएगा, वन एस जीरो, ये इसका टर्म सिंबल हो जाएगा। अब एक डी का और ले लेते हैं हम, डी में किसी का भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डी टू का ही ले लेते हैं। डी टू के लिए टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखिए ये डी के हमारे पास एक दो तीन चार यहां पे हैं, तो डी टू है वन टू, यहां पे जीरो प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू, ये मान हमारे पास एल के। तो एस का मान क्या है, दो है, तो प्लस हाफ इजक्वल टू वन, दिस इज द एस का मान आ गया। एल का मान क्या आएगा अपने पास, टू प्लस थ्री, तो एल का मान क्या आएगा अपने पास, इसके अंदर जो आएगा यह होगा थ्री के रूप में, यह आएगा थ्री। देखिए दो प्लस के ये हैं, तो टू इंटू वन प्लस वन एक है, वन इंटू वन, तो दो ये वन, ये क्या हो गए थ्री। तो यहां पे मान निकालना आसान है, किसी का भी मैं दे तो थ्री मान इसका आ जाएगा। अब थ्री मान इसका आ गया तो हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लिसिटी क्या थी, टू एस प्लस वन, तो एस का मान क्या था हमारे पास, वन, टू इंटू वन प्लस वन कितना आ गया, थ्री, ठीक है ना, तो मल्टीप्लिसिटी थ्री। अब चूंकि यहां पे एल का मान थ्री है, थ्री मान किसके लिए था हमारे पास, वन टू थ्री एफ, एफ के लिए थ्री था, तो हम लिखेंगे थ्री एफ। अब आपके पास बचता जे, एल प्लस एस, एल प्लस एस में क्या आ गया हमारे पास, एल है थ्री, एस है वन, कितना आ गया, फोर, तो ये हो गया फोर। तो दूसरी क्या हो जाएगी, थ्री एफ थ्री, फिर थ्री एफ टू, फिर थ्री एफ वन। तो इस प्रकार से इसका मान जो है वो फोर थ्री टू वन तक। और एल माइनस एस क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये क्या है, थ्री है, ये माइनस वन है, तो टू तक आ जाए। तो ये मान हमारे पास क्या आ गया, थ्री एफ फोर, थ्री एफ थ्री, थ्री एफ टू, क्योंकि लास्ट मान ये आ रहा है। अब दूसरा आता है लास्ट में कि इसकी निम्नतम अवस्था क्या है, ग्राउंड स्टेट की अवस्था क्या है, तो ग्राउंड स्टेट की अवस्था क्या बनेगी, थ्री एफ टू, ये इसकी निम्नतम अवस्था या ग्राउंड स्टेट की अवस्था निकाल देते हैं। इसमें एग्जाम्पल कीजिए आप एक दो, जैसे डी फोर का और डी एट, ये दोनों आप कीजिए, कल इनके ऊपर अपन बात करेंगे। थैंक यू।